नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपनी ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आलू प्याज लहसुन से संबंधित हर लेटेस्ट खबर, हर लेटेस्ट भाव आपको सबसे पहले प्राप्त होता है। दोस्तों, देश की बड़ी मंडियों के अंदर आलू के भाव में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिन से आलू के जो बाजार हैं उनमें बहुत ज़्यादा आलू के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आलू के भाव कैसे रहने वाले हैं। अगर आपके पास में आलू रखा हुआ है तो आप उसको रोकना चाहिए या फिर आपको बेचने चाहिए। मंदी तेजी रिपोर्ट में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप अपना आलू अच्छे दामों में बेचना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भी बेच सकते हो, हमारे चैनल के माध्यम से भी बेच सकते हो और अच्छे खासे दाम भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, व्यापारी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके जो आलू है वो घर से उठा लेंगे, जिससे अच्छा खासा किसान भाइयों को मुनाफा होगा और अच्छा खासा फायदा भी देखने को मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हर दिन आपको देश की बड़ी मंडियों के आलू के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं वो सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। तो आज हम सबसे बड़े देश की मंडियों का भाव जानने वाले हैं। अगर आपकी मंडी के भाव छूट जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों के हम भाव देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में भाव देखें तो दमोहा के अंदर आपका 1000 रुपये प्रति क्विंटल, सेनवेर के अंदर 1375, छतरपुर के अंदर 2000, गुना में 750 रुपये प्रति क्विंटल, हथपिपलिया में 2600, हरदा में 3000, इंदौर में 2400 रुपये प्रति क्विंटल, कलपिपल में 1550, कोरसा के अंदर आपका 1200 और राजगढ़ के अंदर 3000 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव है वो देखने को मिला है। महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों के आलू की बात करें तो आलू में नासिक के अंदर 3000 रुपये आपका बिका है, जलगांव में 2800, औरंगाबाद में 2800, मुंबई में 2700, श्रीरामपुर में 2000, सतारा में 3000, सोलापुर में 2900, पुणे के अंदर आपका 2800, पुणे मोर्चे के अंदर 2500, नागपुर में 2800, वाई के अंदर 2800, रामटेक के अंदर 2800, आपका अकलूज के अंदर 2700 रुपये प्रति क्विंटल भाव है वो आपका देखने को मिला है। राजस्थान से बहुत ज़्यादा कमेंट रिसीव हो रहे हैं। राजस्थान की बड़ी मंडियों की हम बात करें तो अजमेर के अंदर 2200 रुपये प्रति क्विंटल, विजयनगर में 2490, चित्तौड़गढ़ में 2800, जालौर में 2500, जोधपुर में 2500, पाली बंगा में आपका 1900 रुपये, संगरिया में 1850, श्री गंगानगर मंडी में 2600 रुपये और सूरतगढ़ के अंदर 2400 रुपये प्रति क्विंटल आपका है जो भाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बंधु के लिए उत्तर प्रदेश में आलू के हम भाव देखें तो सबसे पहले आगरा मंडी में 2100 रुपये प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 2530, इलाहाबाद के अंदर 2550, अमरोहा के अंदर 2130, आनंद नगर के अंदर 2815 रुपये और अतरौली के अंदर 2310, औरैया के अंदर 2600 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव देखने को मिला है, आजमगढ़ के अंदर 2550 भाव देखने को मिला है, बांदा के अंदर 2420 रुपये और बाराबंकी का भाव देखा जाए तो बाराबंकी के अंदर 2600 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव देखने में मिला है, बिजनौर के अंदर 2125, बिलसी के अंदर 2150, बिंदकी के अंदर आपको 2580 रुपये, बुलंदशहर में 2220 रुपये, चंदौली में 2650, छारा के अंदर 2300 रुपये और चंद्रमाओं के अंदर 2450, चिरंगाओं के अंदर आपका 2300 रुपये प्रति क्विंटल और छोरी छोरा के अंदर आपका 2600 रुपये, दादरी में 2500 रुपये प्रति क्विंटल और धनकोर के अंदर 4768 रुपये प्रति क्विंटल, देवरिया के अंदर 2535, दिबाईपुर के अंदर 1950, इटावा के अंदर 2300 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा के अंदर 2550, फैजाबाद के अंदर 2600 रुपये प्रति क्विंटल, फरुखाबाद के अंदर आपका 2550 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। फतेहपुर का हम भाव देखें तो 2600 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहपुर सीकरी के अंदर 2200 रुपये प्रति क्विंटल, फिरोजाबाद के अंदर 2450 रुपये प्रति क्विंटल, गाजीपुर का भाव देखें तो 2370 रुपये, गाजियाबाद में 2380 रुपये और गिरौर के अंदर आपका जो भाव देखें तो 2260 रुपये भाव आपका देखने को मिला है। तो ये थी देश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। बाकी आप कमेंट किसके माध्यम से पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके भी पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।